चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर 7 अप्रैल। इसमें सबसे पहला है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया और स्टैंड अप इंडिया योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी की लोगों को दिया जाएगा और इसमें इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है। योजना के तहत ऋण केवल ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा, सिर्फ ग्रीन फील्ड के लिए। इसके कुछ नियम है, जैसे अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक है उसकी जितने भी शाखा है प्रत्येक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से लेकर 100 लाख के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। ये सारे कथन में पूछे जाते हैं। और ये तो मान लीजिए सिंगल लोगों के लिए हो गया। अगर कोई सामूहिक रूप से पैसा देना चाहता है, ऋण लेना चाहता है, तो उसमें जो 51% शेयर होगा उसका जो नियंत्रण होगा वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होना चाहिए। ये सारे पॉइंट थे। चेनकानुदीप, ये चर्चा में इसलिए क्योंकि चीन और जापान ने इसके हवाई क्षेत्र के लिए एक हॉटलाइन शुरू की है। हॉटलाइन कहने का मतलब एक टेलीफोन सुविधा शुरू की है कि कोई भी इस क्षेत्र में आएगा तो टेलीफोन से वार्तालाप या तुरंत सूचना मिलेगी। ये जापान और चीन दोनों द्वीपों के स्वामित्व का दावा करते हैं। इस द्वीप पर विवादों से हमेशा रहता है। ये जो पूर्वी चीन सागर में स्थित है, ये पूछा जाता है कि किस सागर में स्थित है। कुरिल द्वीप, ये रूस और जापान के बीच विवाद है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। ये सारे मिलान में आ सकते हैं। चागोस द्वीप समूह, ये ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच विवाद है, ये उत्तरी हिंद महासागर में है। तो मिलान में अगर ये द्वीप समूह दे देगा या सागर दे देगा या किन दोनों की किस देश के बीच में है, या कुरिल द्वीप पूछेगा कि किस महासागर में स्थित है या किन दो देशों के बीच विवाद है, और सेनकानो द्वीप जापान और चीन के बीच है। सौर फोटोवोल्टिक या सोलर फोटोवोल्टिक पीवी, जैसे जो सोलर सेल बनती हैं जो छतों पर लगाया जाता है सौर ऊर्जा के लिए, वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि उसका जो पॉल्यूशन उससे बहुत हो रहा है, उसकी जो खराब हो जा रहे हैं उसको कबाड़ हो जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, उसको रिसाइकिल ज़्यादा नहीं किया जा रहा है। 50% उसकी रिसाइकलिंग है। तो बनता कैसे है? भारत में जो सौर पीवी है वो क्रिस्टलीय सिलिकॉन से बनता है। 93% उसमें क्रिस्टलीय सिलिकॉन होता है और 7% जो होता है वो कैडमियम टेल्यूराइड होता है। दोनों मिला के 100% होता है। ये इसके घटक हैं। वानुअतु द्वीप वर्ष 2015 में चक्रवात पाम के प्रभाव से तबाह हो गया था। माना जाता है कि यह जलवायु परिवर्तन से प्रेरित था, जिसमें इसकी 95% फसलें नष्ट हो गई थी और 2/3 आबादी प्रभावित हुई थी, मतलब ये लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय के आधार पर जलवायु परिवर्तन के प्रति देशों के दायित्व पर एक प्रस्ताव पारित करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अपनी राय देने का निर्देश दिया है। चर्चा में इसलिए है कि जो द्वीप है इसने महासभा से ये करने के लिए आग्रह किया है कि जिस जलवायु परिवर्तन के कारण हमारा देश या हमारा जो भी चीज़ें बर्बाद हुई है, तो इसके लिए जो
जो देश हैं जिनका दायित्व है कि वो हमारी मदद करें या इसको कम करें, तो इसके लिए ये प्रस्ताव बढ़ाया गया है इसी के कारण। तो इसकी बात संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुनी है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अपनी राय मांगी है। अब ये है कहाँ पे, ये द्वीप यहाँ पे, ये जो डार्क स्पॉट दिख रहा है यहाँ पे, ये कोरल सी और साउथ पैसिफिक सी के बीच में है, ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में है। इसको अगर जूम करके देखा जाए तो ये रहा वानु आतू, ये रहा कोरल सी, साउथ पैसिफिक सी, ये वो द्वीप है। तो किन दो के बीच है, कोरल सी और साउथ पैसिफिक सी के बीच में है। गज उत्सव 2023, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज मतलब 7 अप्रैल को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनकी जो 200वीं जयंती है स्वामी दयानंद सरस्वती की, इसके सम्मान में एक डाक टिकट जारी हुआ है और इनका जो एक कोट है कि स्वाधीनता मेरी आत्मा और भारतवर्ष की आवाज़ है, मुझे यही प्रिय है, मैं विदेशी साम्राज्य के लिए कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। एक्चुअली ये लाइन उपराष्ट्रपति के भाषण में था जो PIB पर रिलीज हुआ है, उसी में से ये निकाला गया। इससे पहले सबसे पहले स्वराज का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसको लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया था। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय, इसकी शिलान्यास हुआ है आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश में, एक हरिहर घराना है इसलिए इसका नाम हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय रखा गया। भूटान की जल विद्युत परियोजना है करंट में इसलिए है क्योंकि भूटान के राजा प्रधानमंत्री से मिलने आए थे तो चाकू पे चर्चा हुई थी, इसके कुछ बिजली के शुल्क में बढ़ावा होगा तो चूखा जो है वो चर्चा में था। तो चूखा, कुरिच और ताला मंगदेचू, ये चारों तो परियोजना है ही है, बाकी ये देनो पूना तस्सा गच्छु और फर्स्ट सेकंड, ये दोनों भी परियोजनाएं अभी चल रही हैं। और बसोचू जल विद्युत परियोजना जो ऑस्ट्रेलियाई समर्थित है, ऐसा PIB में लिखा गया था कि भारत सरकार ने इस ये जो परियोजना है बसोचू जल विद्युत परियोजना, इसे जो बिजली उत्पादन हो रही है उस बिजली को भारत खरीदेगा। बस आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर, धन्यवाद।